जनपद प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर आज एक पीड़ित परिवार एसपी गंगापार धवल से मिला। जनपद प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के मानिकपुर में रहने वाले अर्जुन बेचन, सीमा राजेंद्र और उनके साथ कुछ युवतियों ने आज जमीनी विवाद, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्रता एवं मारपीट को लेकर एसपी गंगा पार धवल से मुलाकात की। पीड़ित परिवार ने गंगा के ही किलोधर राजेंद्र, गुलई बीरबल, अजीत शिवचरण राजेंद्र एवं छोटेलाल मास्टर पर मारपीट, छेड़छाड़ एवं हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला सीमा के अनुसार उनके एवं उनके परिवार की अन्य महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्रता एवं मारपीट जैसा घिनौना कुकृत्य किया गया। एसपी गंगापार में कार्यवाही का आश्वासन दिया है। एसएसपी ऑफिस आए हैं, यहाँ भी न्याय नहीं मिल रहा है हमको और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो हमारे हडिया थाने में है दरोगा इंस्पेक्टर बिमलेश और इनका क्या नाम है बिमलेश, कोई ब्रजेश और बिमलेश दरोगा है इंस्पेक्टर दोनों, वो कोई हमारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये लोग उनसे विपक्षी से हमारे पैसे ले चुके हैं, बिक चुके हैं हडिया में, हडिया थाने ये दोनों आदमी बिक चुके हैं, इंस्पेक्टर और दरोगा। इतना घूस वो लोग दे दिए हैं कि दोनों बिक चुके हैं। और उसके बाद हमको ये लोग आज भी, इतना घटना होने के बाद आज भी हम लोग के निकलने नहीं देते हैं रोड पे। इन लोग का घर है, जाते हैं तो कहीं तो धमकाते हैं, चमकाते हैं। छोटे लाल मास्टर और गुलई ये लोग धमकाते हैं, चमकाते हैं कि जहाँ जाओगे तो तुमको लोग को गोली मार देंगे, आगे कुछ कार्रवाई बढ़ाओगे तो गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही ये लोग के आज भी चल रहा है मैटर। अब कहीं आज तक हमारी सुनवाई नहीं हो गई, एक महीना से हम चक्कर काट रहे हैं। सर भैया, मेरा नाम सीमा यादव है और उसी मानिकपुर की रहने वाली मैं भी हूँ। मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ है, ये देख रहे हैं, पूरा हाथ में चक्कू से मार दिए हैं। छोटे लाल के लड़के अजीत और अजय, अजीत दोनों मिलकर हमारी साड़ी खोल दिए, पूरा ब्लाउज फाड़ दिए, मार दिए। रोने लगे तो हमारे हस्बैंड और हमारे ससुर बचाने के लिए आए भैया, तो उनको भी मारने लगे। पूरा 10-10, 15-15 लोग, रामगणेश, गुड्डू और ये सूबेदार, ये सब लोग मिलकर मार रहे थे। लपिया कर गुलई और ये राजिंदर है उनका भतीजा, वो इतना दुष्ट है कि गंदी गंदी गालियां दे रहा है। हमारी दो ननद है, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया, पूरा उन लोग को लाते लाते हमारे सीने पर चढ़कर मारा। इतना अत्याचार हुआ है पूरा। हमारी इस बार ननद की शादी थी मई में, उसका समझ लीजिए पूरा गहना उठा ले गए हैं, रो रो के उसका एकदम तबीयत खराब हो गया है, सही से उठ नहीं पा रही है। हार था 2-3 लाख का, उसका पूरा गहना है और बोलते हैं नहीं हम लोग नहीं लिए हैं, नहीं लिए हैं, ऊपर से झूठा केस हम लोग के ऊपर दर्ज किए हैं। घर पर मेरे चढ़कर आए हो, मार भी रहे हो, मेरे साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। मेरी दो देवरानियाँ हैं, उनका भी पूरा गहना, पूरा फ्रिज, कूलर, टीवी सब तोड़ दिए हैं। इतना अत्याचारी है छोटे लाल, अपने आप को बोलते हैं मैं मास्टर हूँ। अगर तू मास्टर होते ना, चार आदमी लेकर पूरा समझौता करवाते दोनों पार्टी से, अच्छे करवाते तब मानती मैं मास्टर हो। मास्टर ना, जूता लात खाएला काम किए हैं। अजीत, छोटे लाल, उनका एक छोटा लड़का है अमित, इतना दुष्ट है, फोन करके हमको गाली देता है, पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर पा गया है, उल्टी सीधी बातें बोलता है। और सूबेदार, उस दिन जा रहे थे इंजेक्शन लगवाने, हम वहाँ धान लगा रहे थे खेत में, वहाँ से बोल रहे हैं बुजुर्ग उल्टी उल्टी गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी बात बोल रहे हैं। बताइए सर कब तक ये अन्याय चलेगा? इस तरह स्त्रियों पर अन्याय होता रहेगा तो दुनिया में स्त्रियाँ, लड़कियाँ कैसे अपने पैर पर खड़ी हो सकती हैं, कैसे कमाएंगी, कैसे खाएंगी? अभी हमारा 2 बाथरूम लेटरिन था, उसे पूरा एकदम तोड़ दिए हैं। फोटो दिखा दें आपको, निकालिए मैं फोटो, FIR सब निकालिए। और उसके बाद ये लोग जब बाहर लेटरिन बाथरूम हम लोग जाते हैं तो क्या कर रहे हैं, डंडा लेकर, बत्ती लेकर, टार्च लेकर रात में दौड़ा रहे हैं। अभी वहाँ भट्ठा पड़ता है हमारे घर से बस 2-4, 8-10 किलोमीटर की दूरी है, मतलब वहाँ पर जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, पीछे चुपके से खड़ा होकर लाइट जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, गंदी गंदी बात बोल रहे हैं। और ये सब हमारे साथ घटनाएं हुई हैं। मेरा नाम है अंतिमा यादव, मैं मानिकपुर से है, मेरा हंडिया थाना। आज भी वो लोग हम लोग के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हंडिया थाना पूरी तरह से भिड़ चुका है। और इंस्पेक्टर ब्रजेश यादव बिमलेश दरोगा है, वो हम लोग के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर हम लोग बाहर निकल रहे हैं तब भी अभी राजेश, गुड्डू, अजीत ये लोग हम लोग को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। 2 दिन के लिए कोचिंग निकले, वहाँ रोड पर रोक लिए, रोड पे हम देखे तो मुड़कर चले आए, हम किसी को कुछ नहीं बताया। हमें न्याय चाहिए, न्याय। हमारे शौचालय टूट गया, हम लोग कहीं जाते हैं बाथरूम के लिए तो लाठी और टार्च लेकर वो लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी हम लोग के साथ पूरी बदतमीजी की, मार के दिन हम जिस दिन हम लोग बाहर निकले अपने भाई और पापा को बचाने के लिए तो आंसू उनका
जो कि छोटे लाल के नाथ उनके लड़के का लड़का है अंशु यादव, वो क्या क्या हम लोग को टी शर्ट ये सब हम लोग को पटक रहा था ऐसा वैसा कर, फिर रोड पे कुछ आते जाते वक्त थे जो कि हम लोग को बचाने की कोशिश किया, उनको भी एक दो लाठी मार दी तो लोग हम लोग को छोड़कर भाग गए। फिर हम लोग को खेत था उसमें उठा के फेंक दिए। हमारे घर में इतने ज्यादा अत्याचार, हम लोग को नहीं पाए तो खिड़की तोड़कर और छत पर से कूद कर हम लोग को पूरी कोशिश हार लोग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हम लोग को ना बर्तन बचा है। 30 तारीख को 8 बजे रात को वो लोग इतना बड़ा हमला कर दिए कि हम लोग खाने के लिए मर रहे हैं भिखारी को, पर हम लोग को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग को न्याय चाहिए, कहे हम लोग यहाँ से लेके SSP ऑफिस और रेस्ट हर जगह पूरी इलाहाबाद से लेके हंडिया थाने तक आ गए, पर कोई न्याय नहीं मिल रहा है। वो न्याय चाहिए, बस मैं न्याय चाहिए। जो हम लोग के साथ अत्याचार अब भी वो कर रहे हैं, हम यही चाहने की उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दे। थाने पर आपको कोई सुनवाई नहीं, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही, पूरी तरह से लोग भीग चुके हैं। अगर हम लोग लैटरिन बाथरूम के लिए निकल रहे हैं ना, दो लोग ऐसे कपड़ा फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लाठी डंडे से वो लोग मार रहे हैं। अजीज सूबेदार गुड्डू अंशु ये सब पूरी बहुत बड़ी कहते हैं कि छोटे लाल मास्टर यादव वही है, ये हमारे गांव से जबकि बटनवा बारी पूरा मिलकर हम लोग के कर रहे हैं। हम लोग का वही मेन रास्ता है, मेन रास्ते में जाते तो रोक लेते हैं, साइकिल कहीं पंचर कर देते हैं, कहीं काटे रख देते हैं। ऐसे इतने बड़े अत्याचार हम लड़कियों के लिए क्या होगा, हम गरीब से 4-5 लोग हैं।